और दो बेटों की शहादत। ये कहानी है उस परिवार की जिसने 2 महीने के भीतर ही अपने 2 बेटे देश पर कुर्बान कर दिए। टिहरी जिले के रहने वाले इस परिवार के चिराग ने बीते 2 महीने पहले भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिससे पूरा परिवार टूटा हुआ था। परिवार टूटकर उबर ही रहा था कि तभी एक और खबर मिलती है कि आपका दूसरा लाल भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया, जिससे परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार की शाम सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के 5 बेटे शहीद हुए थे। शहीदों में एक जवान टिहरी जिले के देवप्रयाग के अंतर्गत आने वाली थाती डागर गांव का है, जिसका नाम राइफलमैन आदर्श नेगी है। शहीद आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही शोक की लहर छा गई। शहीद आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के ही थे कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपको बता दें कि आदर्श नेगी के परिवार में दुख का पहाड़ दूसरी बार टूटा है। अभी 2 महीने पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे ने भी अपने प्राण देश हित में न्यौछावर किए थे, जो भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर तैनात थे। अब शहीद आदर्श नेगी की शहादत की खबर मिलते ही परिवार अपनी सुध खो रहा है। आदर्श नेगी साल 2018 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ था और अपने 6 साल देश की रक्षा में देने के साथ सोमवार को शहीद हो गया। शहीद आदर्श नेगी की मां अपनी सुध खो चुकी और पिता की आंखें गम में नम हैं। शहीद आदर्श नेगी अपने पीछे अपने माता पिता समेत एक भाई और एक बड़ी बहन को अलविदा कह गए। शहीद के पिता गांव में किसान हैं। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे कि एक बार ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों को जवानों को शहादत ना दे। रात लगभग 9:30 बजे के करीब जो है कि यूनिट से फ़ोन आया था कि वहाँ पे वो एक आर्मी में जो है आतंकवादियों ने जो कोई अटैक कर दिया और उसमें जो है हमारा ये बच्चा आदर्श ये इंजर्ड हुआ है। पहली सूचना उन्होंने इंजरी की दी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आई कि वो और भी लोग जख्मी हुए थे और इसमें से जो है 4 लोगों की वो देश के लिए। आदर्श ने 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज पिपली धार से की, फिर 2018 में वो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए थे। उस दौरान आदर्श गढ़वाल विश्वविद्यालय से BSc द्वितीय वर्ष के छात्र थे। आदर्श नेगी आखिरी बार इसी साल फरवरी में गांव आए थे, लेकिन ये शायद किसी को भी पता नहीं रहा होगा कि आदर्श अब खुद नहीं बल्कि उनका पार्थिव शरीर उनके गांव आएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।